पत्रकारों के खिलाफ होने वाली शिकायतों में एकतरफा कार्रवाई और बेवजह पत्रकारों को परेशान करने के मामले में जिला प्रेस क्लब ने बुधवार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन एसपी मनोज कुमार राय के नाम एडिशनल एसपी एसएस गणेश को दिया गया, जिसमें मांग की गई कि पत्रकारों के खिलाफ होने वाली शिकायतों की निष्पक्ष जाँच की जाए, उसके बाद ही किसी तरह का निर्णय लिया जाए। ज्ञापन में बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से पुलिस द्वारा किसी न किसी मुद्दे पर पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है। हाल ही में उदय विहार कथित वीडियो वायरल मामले में कुछ पत्रकार साथियों से इस तरह थाने बुलाकर पूछताछ की गई जैसे वे अपराधी हों। यदि किसी मामले में जांच के लिए सहयोग की अपेक्षा की जाती है तो पुलिस विनम्रता से पेश आए, अन्यथा वैधानिक प्रक्रिया से जानकारी ली जाए। ज्ञापन में बताया गया कि हम किसी भी वैधानिक कार्रवाई के खिलाफ नहीं है, लेकिन बेवजह परेशान न किया जाए। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि बीते कुछ दिनों में पत्रकारिता के नाम पर भी गलत गतिविधियों की शिकायतें मिल रही है। जिन वाहनों पर प्रेस लिखा हुआ है उन वाहनों के चालकों से वैध परिचय पत्र मांगा जाए, अगर वे गलत पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि किसी भी पत्रकार के खिलाफ सीधे आवेदन पर कार्रवाई कर दी जाती है, जबकि ऐसे किसी भी मामले में पत्रकार के पक्ष को सुना जाए, इसके बाद ही कार्रवाई हो। ज्ञापन का वाचन जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष विष्णु परिहार ने किया। इस मौके पर जिला प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष हरीश अहिर, कपिल सिंह चौहान, श्याम गुज्जर, सचिव भारत सोलंकी, कोषाध्यक्ष श्याम सारड़ा, पत्रकार दिनेश नलवाया, संजय यादव, पंकज श्रीवास्तव, अरुण यादव, मनोज मीणा, महेश जैन, अविनाश जाजपुरिया, विष्णु मीणा, राकेश मालवीय, रमेश राठौर, बेनेडिक्ट कपूर, रितेश राड़ा, दीपक खताबिया, नरेंद्र गहलोत, पंकज मीनारिया, मुश्ताक अली, लोकेंद्र फतनानी, विकास राव शिंदे, राहुल मेघवाल, संजीव नागदा समेत बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे, जिन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सोशल डिस्टेंस आदि नियमों का पालन किया व ज्ञापन दिया। पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाइयों में सामान्यतः पत्रकारों का पक्ष लिए बगैर सीधे कार्रवाई कर दी जाती है, और इन दिनों में ये घटनाएं बढ़ रही है। दूसरी चीज़ें, राजनीति के लोग हों या और किसी संगठन से, समूह से संबद्ध लोग हों, वो पत्रकारों के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं जैसे पत्रकार पत्रकार न होकर के और कोई भेड़ बकरी है। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगे। जो वास्तविक पत्रकार हैं, जो जमीन पर काम कर रहे हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसी बात के लिए हमारा संगठन बना है और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए हमने आज ज्ञापन दिया है। सबसे पहले उसमें मुद्दा यही है कि पत्रकारों के खिलाफ यदि कोई आवेदन आता है तो उस मामले में पत्रकार का पक्ष भी जान लिया जाए, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। और दूसरा मुद्दा यह आया हमारे संज्ञान में कि वीडियो वायरल के एक मामले में पत्रकारों को अपराधियों की तरह बुला बुला करके पूछताछ की जा रही है। हमारा ये कहना है कि आप वैधानिक तरीके से पूछताछ करना चाहें तो कीजिए। पत्रकार आपको जानकारी देने के लिए मना नहीं करता है कभी भी, क्योंकि वो जमीन पर रहता है, उसे सारी जानकारियां होती है, लेकिन अपराधी की तरह उसे ट्रीट न किया जाए। यदि किसी की गलती है तो आप कार्रवाई कीजिए, हम उसमें मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर एक पत्रकार को बुला बुला करके गलत तरीके से परेशान न किया जाए। और तीसरा हमारा मुद्दा ये था कि बिना जो लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए नहीं हैं वो उनके वाहनों पर भी प्रेस लिखे हुए हैं, या वे भी कहीं ना कहीं इसका पत्रकारिता का इस्तेमाल गलत रूप में कर लेते हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए हमने बात करी है। तो प्रेस लिखे वाहनों की चेकिंग होगी, उनका आइडेंटी कार्ड चेक किया जाएगा, जो जिस संस्थान से जुड़ा हुआ है उसके बारे में जानकारी ली जाएगी, सही है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने इस कार्रवाई के लिए भी कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नीमच हलचल।